चैनल क्लब विद मी। अच्छे हो ना सब लोग? थोड़ा सा टेंशन में हो, आई नो दैट। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आज लेके आई हूँ एक धमाकेदार व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही अफोर्डेबल कुर्ती, सलवार और लहंगा कलेक्शन। कचली.com से मुझे भेजा गया है 5 प्रोडक्ट, 2 लहंगा, 2 साड़ी और 1 सलवार। तो उनकी ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लहंगे के ऊपर। तो मुझे जो 2 लहंगा भेजा है, उसमें से एक लहंगा जो है, इसका कलर जो है ना, वो बहुत प्रिटी है और बहुत ही यूनिक अनकॉमन है। आप देख सकते हो एकदम मतलब माइल्ड पिंक, बेबी पिंक में है ये। और ये सारे लहंगा है ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। मैं आपको नीचे की साइड एक बार दिखाती हूँ। नीचे इस तरह से एक लाइनिंग है जो बहुत थिक है। तो क्या होता है कि ऐसे थिक लाइनिंग से क्या होता है, आपका जो लहंगा है ना वो बहुत ऐसे राउंड जैसा शेप आता है, बहुत ज़्यादा घेर में लगता है, जो दिखने में बहुत प्रीटी लगता है। और इसके ऊपर ना थोड़ा सा बेबी पिंक, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा गोल्डन में एम्ब्रॉयडरी वर्क है। और इसके साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस का भी काम है। होल लहंगे में फुल वर्क है। और ये सारे जो लहंगा है वो सेमी स्टिच है, आप देख सकते हैं। ऐसे आपको दोनों साइड ओपन है, आपको आपके साइज़ के हिसाब से इसको सिलवाना है। और बिल्कुल भी ऐसा सिंक नहीं हो जाता है, काफ़ी जो कपड़ा है ना इसके ऊपर, जो और एक अंदर कपड़ा दिया गया है उससे ये सिंक नहीं होता है। तो काफ़ी सारा लहंगा जो है ना ऐसे ऐसे करता है, तो ऐसा नहीं दिखेगा। बहुत ही अच्छा और डेकोरेटिव वे पे ये बनाया गया है। इस लहंगे के साथ ये है इसका ब्लाउज पीस। तो आप हाथों में, आपके शोल्डर में और आपके फ्रंट पोर्शन में सभी जगह पे वर्क है। आप इसको जब टेलर के पास जाके सिलवाओगे तो सारे जगह पे जो है ना वर्क आएगा। वर्क में ब्लू कलर है, डार्क पिंक है, थोड़ा सा पॉइजन ग्रीन है। और इसके साथ साथ एक नेट का दुपट्टा है। आजकल ना लहंगे के साथ नेट का दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी सीक्वेंस का काम है, बॉर्डर लाइन पे चारों तरफ बॉर्डर है और काफ़ी बड़ा सा इसका दुपट्टा है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक साड़ी। ये डार्क मेरून बोल सकते हो आप, मेरून कलर में है ये साड़ी। और ये शिफॉन में है, जॉर्जेट में है। और इसका जो है ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसके बाद सीक्वेंस का भी थोड़ा सा चुमकी बोलते हैं उसका भी वर्क है। गोल्डन और सिल्वर दोनों कॉम्बिनेशन में इस साड़ी में वर्क है। और ये जो वर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा भारी वर्कम है। तो ये साड़ी जो है ना आप इजीली पार्टी में पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। होल साड़ी के जो लोअर पोर्शन है उसमें इस तरह से वर्क है। और इसका जो पल्लू है उसमें भी बहुत अच्छे से ऐसे वर्क है, और ऐसे स्क्वायर में ऐसे वर्क है, बर्फी काइंड ऑफ, जो बहुत प्रिटी लगता है। और आप देख सकते हो इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ही प्रिटी है, पाइपिंग जैसा है। पर इस साड़ी का जो पल्लू की पोर्शन है ऐसे उसमें टार्सल है, जो बहुत यूनिक लगता है। पर इस साड़ी में ऐसा एक चीज़ मुझे मिला जो मुझे पहले कोई भी साड़ी में ऐसा नहीं मिला था, वो है इसके साथ साथ इसका ब्लाउज़ पीस तो है ही। ब्लाउज़ पीस आप देख सकते हो ये थोड़ा सा पतला है कपड़ा, जॉर्जेट में है, तो इसीलिए शायद इसके साथ साथ ये है ब्लाउज़ पीस, जिसमें हाथ और पीठ नेक सारे जगह पे वर्क आएगा। तो ब्लाउज़ पीस के साथ साथ ब्लाउज़ पीस में यूज़ होने वाले जो लाइनिंग है वो भी दे दिया है, विच इज़ वेरी ग्रेट। थर्ड मैं आपके साथ और एक लहंगा शेयर करती हूँ। ये डार्क रानी में एक लहंगा है, जिसमें एकदम मतलब फुल कवर है वर्क से, सिल्वर गोल्डन का वर्क है, सीक्वेंस है इसमें। और आप देख सकते हो आजकल जो लहंगा है ना वो हम थोड़ा सा वेस्ट लाइन में पहनते हैं, तो उस लाइन पे भी ऐसा एक बॉर्डर है जो बहुत प्रिटी लगता है। अगेन इस लहंगे में भी ऐसा शिंक नहीं होगा, ऐसे फूला हुआ रहेगा जब ये लहंगा सिलवा के पहनोगे। ये सेमी स्टिच है, देख सकते हो नीचे के पोर्शन में कितना नीट है वर्क। ऐसा होता है ना जब हम पहन के चलते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब
कहीं पे अटक जाए तो वो फटने का चांसेस रहता है, तो ये वाले कपड़े में ऐसा नहीं रहेगा। और ये जो लहंगा है ना, इसके नीचे पोर्शन में ऐसे गोल गोल ऐसा प्रिंट है, जो प्रिंट नहीं सीक्वेंस का काम है, जो मुझे बहुत यूनिक और अच्छा लगा। और इसके साथ साथ इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी बहुत प्रिटी है। ये है फ्रंट, फ्रंट पे फुल वर्क है, और ये है हाथ का पोर्शन, हाथ के पोर्शन में भी वर्क है। और इसके साथ साथ ये है इसका दुपट्टा, ये भी नेट में दुपट्टा है, और एकदम बॉर्डर लाइन पे जो है ना बहुत अच्छे सीक्वेंस का काम है, और फुल दुपट्टे में भी छोटा छोटा ऐसे गोल गोल सीक्वेंस का काम है। थर्ड, ये है एक साड़ी। मुझे जो 5 प्रोडक्ट भेजा गया है उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा ये साड़ी। ये साड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको पहनोगे ना तो आप फील ही नहीं करोगे कि आप साड़ी पहना है। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे फीमेल्स रहेंगे जिनको साड़ी पहनना अच्छा लगता है पर इतना भारी हो जाता है, या तो फिर आप थोड़ा सा पतले हो तो ऐसा फुला हुआ लगता है, तो मुश्किल होता है हैंडल करना। तो ये साड़ी अगर आप ले रहे हो ना तो आपको एकदम भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसको हैंडल करने में। और ये साड़ी एकदम मतलब टमेटो रेड में है, बहुत प्रिटी कलर है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा जनरली गोल्डन का वर्क रहता है, पर इसमें ना सिल्वर वर्क है, और पाइपिंग में एक येलो बॉर्डर है, और पूरी होल साड़ी में ही ऐसा ऐसा जरीदार वर्क है। और इसका जो चुनरी और इसका जो पल्लू है आप देख सकते हो, एकदम बहुत ज़्यादा वर्क है। आप इजीली इसको कोई भी वेडिंग फंक्शन में पहन सकते हो। ये थोड़ा सा ना आपको बनारसी साड़ी जैसा फील देता है, पर इतना लाइट वेट है। आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ भी ब्लाउज पीस है जिसमें ऐसे ही वर्क है, पर मैंने इसको एक ब्लैक फुल नेक ब्लाउज के साथ पहना है। और लास्ट हम जाते हैं एक सलवार के ऊपर। ये भी एक अनस्टिच वाला सलवार है, तो मैं आपको प्रॉपरली नहीं दिखा सकती हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो सलवार है इसका मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप देख सकते हो कि इसको बनाने के बाद ये कैसा दिखेगा। और पिक्चर के जैसा ही पूरा एकदम ओरिजिनल ही है। ऐसा बहुत बार रहता है कि पिक्चर कुछ अलग रहता है, प्रोडक्ट हमको कुछ अलग रिसीव होता है, पर ऐसा नहीं है। देखो, ये है नेक पोर्शन में वर्क, और ये है हाथों के पोर्शन में। ऐसे जो होता है ना हाथ, बहुत ही प्रिटी लगता है। इतना तक पूरा आपको वर्क आएगा, मतलब सिलवा लेने के बाद। और इसके ऊपर जो है ना ये वाला दुपट्टा जाएगा, जो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। और दुपट्टे में बहुत ही मोटा सा बॉर्डर है। एक्चुअली सलवार का मेन यूज भी इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे में ना थोड़ा थोड़ा ऐसे पत्थर जैसे, स्टोन जैसे लगाया हुआ है, जो ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये सारा 5 प्रोडक्ट जो है, 5ों के 5 भी बहुत अच्छा लगा। सो मैंने इसीलिए आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। मैं फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।